हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आपको मैंने अभी रिसेंटली जीएमसी का सप्लीमेंट का रिव्यू शेयर किया था, प्रोटीन का। तो उसके साथ ही मैंने आपका क्रिएटिन लिया था, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जीएमसी का, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 3000 mg। इसका जो सर्विंग साइज है 250 ग्राम का, और सॉरी इसका जो नेट वेट है 250 ग्राम का, और सर्विंग्स आपको 83 मिलती हैं, वेजिटेरियन है। और इसका रिव्यू करेंगे हम, तो इसका आपको मैट्रिक्स दिखा देते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 3000 mg, स्कूप साइज इसका 3 ग्राम्स का है, 83 सर्विंग्स मिलती हैं। रिकमेंडेड यूजर्स कब दिया हुआ है, 1 लेवल स्कूप 30 ग्राम, 3 ग्राम विद 200 ml ऑफ वाटर, और एनी स्पोर्ट्स ड्रिंक, एनी बेवरेज यू कैन यूज इट। सो बात करता हूँ इसके रिव्यू की। तो ये क्रिएटिन पहली बार मैंने यूज़ किया इस ब्रांड का, इसके पहले मैंने आपका मसल टेक का क्रिएटिन यूज़ किया हुआ है और मसल ब्लेस का यूज़ किया हुआ है। तो ये क्रिएटिन लेने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी सॉलिड है क्रिएटिन, काफ़ी बढ़िया क्रिएटिन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। लेने के 3-4 दिन के अंदर ही आपको अपने स्ट्रेंथ और में आपको महसूस लगेगा, काफ़ी इंक्रीज हो जाती है स्ट्रेंथ इसको लेने के बाद, मसल साइज इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा होता है इसको लेने के बाद। और अगर आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तब तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जहाँ आपसे पहले बेंच प्रेस में आप मान लीजिए आप हाईवी लगा रहे थे 40-50 किलो का, वो आपसे 5-6 रेप पाते थे, तो उसमें आपको 3-4 रेप एक्स्ट्रा आप इसकी वजह से लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको एनर्जी मिल जाती है और मसल साइज इंक्रीज हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा है क्रिएटिन, और इसको लेने के बाद मैं तो बताऊंगा भाई, अभी तक मेरे को जीएनसी के प्रोडक्ट दोनों बहुत अच्छे लगे, तो मैं आगे आने वाले टाइम में अगर मैं लूँगा तो इन्हीं के प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। बार बार बदलते रहने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी तो मेरे को बहुत बढ़िया लगे दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स, एक तो जीएनसी का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और दूसरा वे प्रोटीन जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही वीडियो बनाया था। तो काफ़ी बढ़िया लगा, अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर बाय कर सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिन ख़त्म होने वाला है जो आप अभी करंट में यूज़ कर रहे हैं और कोई दूसरा लेने का सोच रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। एंड बात रही किसको किसको लेना चाहिए, तो देखिए क्रिएटिन लेने से आपको स्ट्रेंथ में आपके इंक्रीज होता है, मसल साइज इंक्रीज होता है, और एक तरीके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही लिया जाता है क्रिएटिन को। और एक क्रिएटिन और प्रोटीन दो सबसे बेसिक सप्लीमेंट्स माने जाते हैं, इनका कोई हार्म वार्म नहीं है। क्रिएटिन का काफ़ी लोग बोलते हैं कि बाल बाल झड़ने लगते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, पानी काफ़ी पीना होता है इसको अगर आप क्रिएटिन लेंगे, क्योंकि क्रिएटिन थोड़ा गर्मियों में तो काफ़ी मुश्किल होता है, ठंडियों में आराम से आप इसको ले सकते हैं। तो सही लगा मुझे प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट मैं आपको जैसे बता रहा हूँ मैं पर्सनल इसको हमेशा यूज़ करने वाला हूँ आगे वाले आने वाले टाइम में, तो बढ़िया लगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूँगा, अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। सर्विंग साइज आपको दिखा देता हूँ, स्कूप इसका कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा स्कूप मिलेगा आपको 3 ग्राम का। तो इसको मैं अभी जिम आने के बाद पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ विथ प्रोटीन, दोनों को मिक्स करके पानी के साथ शेकर में। तो ऐसा था वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना वीडियो को, अगर चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब the channel. Thank you so much. Have a nice day.